हेलो दोस्तों, ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री परिवार। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई, कौन सा भाई, एनजीपी का सेकंड टाइप, कि किस तरीके से आपका ऑक्सीजन है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की तरीके से एक्ट करेगा और आपकी सब्स्टिट्यूशन रेट को फास्टर कर रहा होगा। तो दोस्तों, हेटरो एटम क्या होते हैं? हेटरो एटम आपको पता होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन तीन को क्या बोला गया है? हेटरो एटम बोला गया है। तो हम इसके अंदर भी जो फर्स्ट देखेंगे आज, वो देखेंगे कौन सा भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। सही है, ऑक्सीजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। आपने पहले भी एग्जाम्पल देखे होंगे कि किस तरीके से आपका जो ये सिस्टम था, यहां पर अगर OTS जुड़ जाता है और यहां पर क्या आता है भाई, बिलो द प्लेन आपका OSC ग्रुप, या आप बोल सकते हो OCO देन CH3। तो ये किस तरीके से NGP दिखा रहा था यहां पर, ठीक है? तो NGP दिखाता है ये, तो इसका रेट क्या हो जाता था भाई, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता था एज कंपेरिजन टू दिस वन OTS। और यहां पर ACOH ही होता है, और यहां पर कौन है भाई, अबाउ द प्लेन OCO CH3 ग्रुप। सही है, यहां पर ACOH आपने कराया है, प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, यहां पर जो बनता है वो क्या बन जाता है भाई, रिटेंशन वाला OAC, और यहां पर बिलो क्या बन जाता है भाई, OAC। तो ये जो ऑक्सीजन है यही तो पार्टिसिपेट कर रहा है एनजीपी में। बताइए यहां पर भी क्या होगा, यहां पर बिलो द प्लेन कौन आपका OAC, और यहां पर कौन है अबव द प्लेन OAC। डन है। तो ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी इसकी डिटेल के अंदर। डन। तो अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें आप, तो ये ले लें, अगर देखा गया क्या भाई, यहां पर आपका OCH3 ग्रुप, और फिर यहां पर CH2 CH2, और क्या आ जाए CH2। सही है, और फिर से क्या CH2, और यहां पर आपका जुड़ा हुआ OSO2 AR। सही है, देखा क्या गया, अगर आप इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हो भाई, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन ले रहा है ये। तो यहां से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन है यहां पे, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा दोस्तों, इस तरीके से एनजीपी के तरीके से एक्ट करेगा और इसको क्या कर देगा, भगा देगा। तो आप बोल सकते हो कि अगर एक तो ये रिएक्शन हुआ ऐसे, तो क्या बन जाएगा भाई, यहां पर 5 मेंबर, 1 2 3 4 एंड 5, ऑक्सीजन 5 मेंबर CH3। डन। यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्योंकि क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहां पर अब क्या होगा भाई, सेकंड के अंदर क्या बन जाएगा, इधर अटैक करा देगा, ये क्या बन जाएगा आपका सिंपल, तो ये क्या बनने वाला है भाई, एल्कोहल CH2 CH2 और CH2 O CH3 ग्रुप। CH2 CH2 कितने, एक CH2 और बच गया, CH2 OH। सही है, तो यहां पर ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। अब आप बोलेंगे इसमें हुआ क्या है, अगर मैं बोलूं कि मैं इसको हटा दूं और यहां पर क्या लगा दूं CH3, अब जो इसका रेट आएगा सब्स्टिट्यूशन का और जो प्रीवियस वाले का रेट था, उसमें दिन रात का फर्क है। पिछले वाला क्या आएगा, फास्टर, ये क्या हो जाएगा, स्लोवर। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो यहां पर अगर 2 क्लोरो इथेनॉल आपको बोल दिया, तो 2 क्लोरो इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर क्लोरो है, यहां पर क्या आ जाएगा OH CH2 CH2। बोलिए भाई, 2 क्लोरो इथेनॉल, अगर 2 क्लोरो इथेनॉल हुआ ये, तो यहां पर
एनजीपी की तरीके से एक्ट कर सकता है कौन, आपका ऑक्सीजन, और सीएल बाहर चला जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और अगर आपको कंपैरिजन करा दे वो किसके साथ भाई, इथाइल क्लोराइड के साथ। यहां पर इथाइल जो क्लोराइड होगा आपका, यहां पर क्या कोई एनजीपी है, बिल्कुल एनजीपी, यहां पर तो एनजीपी प्रेजेंट है, बताइए एनजीपी प्रेजेंट है बिल्कुल। यहां पर कोई एनजीपी नहीं होगा तो किसका रेट फास्टर आ जाएगा, इसका रेट फास्टर आ जाएगा, तो फास्टर सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें, क्या हो जाएगा, फास्टर सब्स्टिट्यूशन। देखा गया कितना टाइम्स, 5000 टाइम्स फास्टर आता है इसका रेट, किसके बजाय भाई, आपका इथाइल क्लोराइड। डन। एक एग्जांपल अगर और लेते हैं तो देखें, अगर ये साइक्लोहेक्सेनोल आपका जो सिस्टम है ये वाला, क्या देखा गया भाई, यहां पर और ये आपस में ही क्या है, सीएल, और यहां पर बिलो द प्लेन ओएच, सही, और ये तो क्या होगा ट्रांस, और इसको एनओएच के साथ ट्रीटमेंट दिया तो ये तो क्या हो गया, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन क्या देखा गया, अगर इसका सिस फॉर्म ले लें आप, क्या ले लें, इसका सिस, अगर इसका सिस ले लेंगे, यहां पर सीएल है और यहां पर ही क्या आ जाए OH, तो देखा गया अगर NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये नहीं होती। ऐसा क्यों हुआ भाई, ड्यू टू एनजीपी, एनजीपी ने इसके रेट को क्या किया, फास्ट किया होगा। किस तरीके से, ये जो करता है साइक्लोहेक्सेन कैसा दिखता है, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा या नहीं दिखेगा, बोलो भाई। अगर ये मान लीजिए ऊपर की साइड सीएल है और ये क्या आ जाएगा भाई, नीचे की साइड ओएच, नीचे की साइड कौन ओएच, और ये क्या कर देगा भाई, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल देगा सिग्मा स्टार में, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इजीली रिप्लेस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं होगा, नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हेल्प कर रहा है कौन, एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और नेबरिंग ग्रुप में भी कौन है आपके पास, ऑक्सीजन, कौन है ऑक्सीजन। डन। नेक्स्ट अगर बात करें हम किस पर भाई, रिंग साइज पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएं, रिंग साइज इफेक्ट, रिंग साइज इफेक्ट, या इफेक्ट ऑफ रिंग साइज, इफेक्ट ऑफ रिंग साइज, आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू बेयर स्टेन थ्योरी, जो आपकी फाइव मेंबर होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फाइव मेंबर देन सिक्स मेंबर देन फोर मेंबर देन थ्री मेंबर, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरी भाई, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो कहीं भी फाइव मेंबर जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्टर हो जाता है। जैसे क्या देखा गया, अगर मैं बोलता हूं और अगर किसी को भी ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है समझ में नहीं आ रही तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां पर क्या लेता हूं भाई, ओमेगा क्लोरो एल्कोहल, ठीक है, ओमेगा क्लोरो एल्कोहल लूं, और यहां पर भी क्या है भाई, क्लोरो है CH2, और यहां पर क्या हो गया 3, यहां पर क्या भाई OH, Cl, CH2 कितना, यहां पर 4 OH, डन है, और क्या लिया भाई Cl, CH2, 6, 4 का क्या हो जाएगा 5 में क्या बन जाएगा 6 मेंबर OH। अगर मैं देखता हूं कि यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन का रेट है किसके अंदर फास्टर आता है, तो यहां पर देखा गया कितना टाइम, यहां पर क्या है फाइव मेंबर बन रही है, फाइव मेंबर बन रही है, तो यहां पर 5700, यहां पर क्या भाई 20 आया इसका, और इसका कितना आया 1, ये क्या है रेट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रेट की बात।
अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्यों हुआ, इस केस के अंदर कितने मेंबर रिंग बनेगी। अगर मैं देखना चाहूं तो CH2 कितने बार, चार बार, तो इसका मतलब यही हुआ है। थोड़ा ब्रॉड लिख लें इसको, Cl CH2 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 और यहां पर भी क्या है भाई CH2, डन। अगर यहां पर क्या हो जाएगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, बताइए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर, 5 मेंबर मैंने बताया क्या होती है, ज्यादा स्टेबल, इसी करके क्या है ज्यादा रेट आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या बन रही, बन रही है भाई 6 मेंबर, बोलिए क्या बन जाएगी, 6 मेंबर बन जाएगी तो फास्टर, देन ये 4 मेंबर तो इसका कम आता है रेट। तो सारा गेम किसका है भाई, बेयर स्ट्रेन थ्योरी का। इतनी बात। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने कौन सा भाई, ये वाला ऑक्सीजन यहां पर है और यहां पर हमने लिया है, और यहां पर हमने लगा दिया एक्स, ठीक है। अब देखें, और यहां पर हमने ऑक्सीजन लिया है और यहां पर इस तरीके से यहां पर हमने एक्स लगाया है, 1 2 3 4, सही। अब और लास्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, यहां पर हमने क्या लगा दिया एक्स, लिविंग ग्रुप, दिस इज लिविंग ग्रुप एक्स, तो 1 2 3 4 5, तो कितने कितने मेंबर रिंग बन रही है, अगर पार्टिसिपेशन होगा तो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, तो रेट किसके अंदर फास्टर आएगा दोस्तों, इसके अंदर मैक्सिमम आता है, इसके अंदर क्या आ जाएगा मैक्सिमम, फिर इन दोनों के अंदर क्या आ जाएगा मिनिमम, सही है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर क्या बन रही है, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, या वैसे अगर ऑर्डर की बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इसका क्या आ जाएगा, मान लीजिए 3 नंबर है तो 3 का सबसे ज्यादा, देन 2, देन 1, सही है। 3 का बहुत ही बहुत ज्यादा होता है, ऐसे आप कर सकते, 3 का बहुत ही ज्यादा होगा, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आ जाएगा भाई 1, ठीक है। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक कंसेप्ट तो ये था कि रिंग साइज क्या मैटर करेगा, 5 सबसे ज्यादा, देन 6, देन 4, देन 3, देन 2, इस तरीके से कॉपी करें। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, अगर 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, देखें कैसे 2 पे यहां पर क्या है, 2 पे ब्रोमो हो जाएगा अबव द प्लेन ब्रोमो, बिलो द प्लेन एच, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, इसको रिएक्ट करा दूं मैं NaOH के साथ, तो मेरे को क्या मिलता है भाई, यहां से जो मिलने वाला है ये इसकी क्या है भाई, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगी। अगर R हो जाती है तो देखें किस तरीके से, तो यहां से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, इनवर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल SN2 रिएक्शन, तो यहां पर मिल गया बिलो द प्लेन OH और अबव द प्लेन H, सही है। तो ये क्या आ गया आपके पास, एस लैक्टिक एसिड आ गया। अगर मान लीजिए मैं क्या करा दूं, Ag2O, Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बोलो भाई, और पानी भी है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखा गया कि क्या आ गया, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन आएगा, कैसे, यहां से जहां से आपका Br गया वहीं OH जुड़ेगा बिलो द प्लेन H, तो ये क्या आ गया, R लैक्टिक एसिड, डन, R लैक्टिक एसिड हो गया, ये क्या हो गया, S लैक्टिक एसिड। मैकेनिज्म क्या होगा, यहां तो सिंपल मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म में बिलो द प्लेन अटैक होगा, देन धार देसी चला जाएगा, तो ये क्या होगा, इनवर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यहां पर रिटेंशन कैसे हुआ, मैकेनिज्म देखें,
अगर मैं लेना चाहूं यहां पर जो आपका सबस्ट्रेट है ये वाला, इसको ही ले लेते हैं यहीं पे। अगर मैं बोलता हूं Ag2O अपने को क्या देगा, Ag2O, तो Ag2O क्या देगा भाई, Ag पॉजिटिव देगा, क्या देगा, Ag पॉजिटिव। अगर Ag पॉजिटिव दे दे ये, तो Ag पॉजिटिव को कौन खाने की कोशिश करेगा, आपका Br विद लोन पेयर। तो यहां से क्या होगा देखें, C डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव हो चुका, क्यों, या OH ले लो भाई। फिर यहां पर क्या भाई, Br देन यहां पर Ag, यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जो आपका H है वो कौन ले जाएगा, बेस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और जो आपका पानी है वो भी निकल जाएगा, और जो आपका क्या है भाई, Ag OH, ये भी निकल चुका, सही है। अब देखें इसके बाद क्या होगा, यहां ये जो नेगेटिव है दिख रहा है, ये जो नेगेटिव है ये एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के तरीके से एक्ट कर सकता है, तो ये क्या करेगा भाई, बिलो द प्लेन अटैक कर देगा, और ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर है, देखें तो इसने अटैक कैसे किया होगा, बिलो द प्लेन, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, बिलो द प्लेन बन जाएगा कौन सा ग्रुप भाई, ये वाला। तो भाई ऑक्सीजन किस तरीके से अटैक कर रहा है, बिलो द प्लेन, सही है। अगर ये बिलो द प्लेन अटैक कर रहा है इस सेंटर पर, और पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये तो नेगेटिव था, नेगेटिव हो गया था न्यूट्रल, सही है। अब देखें, अब आपका OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव अब कहां पर अटैक करेगा, बिलो द प्लेन में तो कौन बैठा हुआ है दोस्तों, ये वाला ग्रुप आएगा, तो कहां अटैक होगा, यहां पर, यहां होगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, ओपन अप। तो क्या ये भी SN2 रिएक्शन हुई, SN2 रिएक्शन हुई, तो अब कहां पर हो जाएगा भाई आपका, अबव द प्लेन OH आ चुका, बिलो द प्लेन कौन है, H, और यहां पर C डबल बॉन्ड और यहां पर OH, डन। तो ये क्या आ गया आपके पास, R लैक्टिक एसिड, डन है। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों यहां पर एक ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओमेगा मिथोक्सी अल्काइल पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनेट इन एसिटिक एसिड। देख एक बार डाटा को, कि यहां पर अगर अभी सिंपल सिस्टम है, कोई यहां पर क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, तो उसका रेफरेंस कितना आ रहा है, 1 रेट है इसका। जैसे ही यहां पर क्या है, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के तरीके से एक्ट करेगा, तो यहां पर कितने मेंबर बन जाएगी, 3 मेंबर, साइक्लिक सिस्टम, 3 मेंबर क्या होती, अनस्टेबल, 3 मेंबर क्या होगी, अनस्टेबल, बोलिए भाई, इस तरीके से अटैक होगा, सही है। 3 मेंबर क्या होती है, अनस्टेबल, डन। इसके बाद अगर यहां पर भी, अगर यहां पर भी क्या बनेगा, यहां पर क्या बन जाएगी, 4 मेंबर, बोलो भाई, यहां पर क्या बनेगी, 4 मेंबर, यहां पर 5 मेंबर, यहां पर 6 मेंबर। तो देखें इसका रेट क्या हो गया, 3 मेंबर का लोअर हो गया, किससे, जो सिंपल से। इसके बाद इससे भी क्या थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि 4 मेंबर क्या होती है, थोड़ी सी स्टेबल, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, इसका रेट कम ही आ रहा होगा, क्योंकि उतनी स्मूथ SN2 रिएक्शन नहीं हो पाती किसके प्रेजेंस में, जैसे जैसे रिंग चेन बढ़ती जाएगी तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। दो फैक्टर चल रहे हैं, एक तो कौन सा भाई, एंगल स्ट्रेन वाला, और दूसरा चेन वाला। तो यहां पर ये तभी आपको डाटा दिया है मैंने, यहां पर अगर ये थर्ड के इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो कितना आ रहा है भाई, मैक्सिमम रेट, क्योंकि यहां पर क्या होगा, जो यहां पर जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन किसके तरीके से एक्ट करेगा भाई, एज अ एनजीपी, और क्या बना देगा, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, जो कि क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। अब यहां पर क्या आ रहा है भाई, बिल्कुल इसी के तरीके से ऐसे 6 मेंबर बन जाएगी, बोलिए 6 मेंबर, थोड़ी सी क्या है, थोड़ी ज्यादा स्टेबल है। तो 5 मेंबर क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम रेट होगा किसका भाई, 5 मेंबर का, फिर किसका हो जाएगा, 6 मेंबर का, ठीक है। और यहां पर फिर देन ये क्या आता है, सिंपल, देन दिस वन, देन दिस वन, डन है। तो यहां पर दो फैक्टर आपके समझ में आए होंगे, एक तो कौन सा था, एंगुलर फैक्टर था, तो यहां पर तो जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, यहां पर भी एंगल स्ट्रेन ही क्या कर रहा होगा, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन डोमिनेट करता है, इसके अंदर क्या करता है, इन दोनों के अंदर एंगल स्ट्रेन डोमिनेट करता है, इसके अंदर नहीं करता, क्योंकि यहां पर तो क्या बढ़ रहा है भाई,
यहां पर साइड चेन बढ़ गई, उसकी वजह से थोड़ी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गई इन कंपेरिजन टू फर्स्ट केस, सही है। तो यहां पर इसको कॉपी कर लेंगे एक बार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। 5 and 6 मेंबर्ड में क्या आता है मैक्सिमम रेट, 5 और 6 का अगर कंपेरिजन होगा तो 5 का क्या आ जाएगा सबसे ज्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों कमेंट कर दें। सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री परिवार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई नई एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए।